अगर ये लक्षण नजर आए तो तुरंत अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। साइंस योर आर्टरीज फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल या हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया एक ऐसी समस्या है जिसने आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रखा है। मनुष्य में फैलने वाली ये सबसे तेज बीमारी मानी जाती है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जैसे विषय के बारे में अक्सर लोगों को जानकारी नहीं होती है और बॉडी में धीरे धीरे बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल के लक्षण को वो लगातार नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस वक्त आपकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो और आप भी इस बात से पूरी तरह से अनजान हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी के मुताबिक ऐसे 10 कारण जिनकी वजह से पूरे विश्व में हर साल सबसे ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर इस्केमिक हार्ट डिजीज है। इस बीमारी में दिल तक खून और ऑक्सीजन ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता और किसी भी वक्त हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। इस तरह की बीमारियों के पीछे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ही सबसे मुख्य वजह होती है। केवल अकेले भारत में ही हर साल लगभग 12 लाख से भी ज्यादा लोगों की दिल की बीमारियों के चलते मौत हो जाती है, जिनमें 19 साल से लेकर 70 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आखिर हमारी बॉडी में ये बढ़ता कैसे है और किस तरह घर पर ही पता लगाया जा सकता है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं। कोलेस्ट्रॉल मूंग की तरह एक चिकना पीले कलर का पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए खून जितना ही जरूरी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से लीवर में बाइल एसिड का निर्माण होता है जिससे भोजन पचने में सहायता मिलती है। ये धूप से बॉडी को विटामिन डी बनाने में भी मदद करता है और इसी वजह से बॉडी में सेक्स हार्मोन्स भी सही तरीके से बन पाते हैं। इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए 70% कोलेस्ट्रॉल खुद हमारे लीवर द्वारा बनाया जाता है और केवल 30% हमें भोजन से मिलता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, LDL और HDL। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि यही वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारी आर्टरीज यानी कि धमनियों में जमने लगता है। ऐसी चीजें जिनमें LDL की मात्रा अधिक होती है उनका सेवन करने से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। सबसे ज्यादा LDL डीप फ्राइड चीजों और नॉन वेज में पाया जाता है, यानी कि तला हुआ या नॉन वेज बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को सबसे तेजी से बढ़ाता है। इसके अलावा मैदा, घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल या डाल्टा, केक, पेस्ट्री और मिठाई जैसी बहुत ज्यादा मीठी चीजें, तले हुए स्नैक्स, अंडे, सिगरेट और शराब पीने से भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ता रहता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बॉडी में खून ले जाने वाली नसों यानी कि आर्टरीज में जमा होने लगता है, जिससे समय के साथ साथ नसों में प्रेशर और ब्लॉकेज जाने लगती है। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल में खून पहुंचाने वाली कोरोनरी आर्टरीज और दिमाग की कैरोटिड आर्टरीज में जमता है और इसी वजह से अचानक किसी भी वक्त हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कई बार इंसान दिखता तो स्वस्थ है लेकिन बॉडी में बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो अचानक दिल की बीमारियों की चपेट में आ जाता है। इसकी दो सबसे मुख्य वजह है, एक हमारा लाइफस्टाइल जिसमें किसी भी तरह का वर्कआउट शामिल नहीं है और दूसरा है हैवी भोजन जो कि आसानी से पचता भी नहीं और बॉडी में चर्बी भी बढ़ाता है। कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो कि दिल की बीमारियों और शरीर में बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल के शुरुआती स्तर को दर्शाते हैं। ऐसे लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और शुरुआत में ही इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप में या आपके परिवार और मित्रों में से किसी में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दें, तो उन्हें तुरंत अपना कोलेस्ट्रॉल चेकअप करने की सलाह जरूर दें। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारी बॉडी के अंगों तक खून पहुंचाने वाली आर्टरीज सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मसल्स में रक्त का प्रभाव कम होने लगता है, खासकर पैरों में। ऐसे में हाथ और पैर बार बार सुन्न होने लगते हैं। कई बार पैरों में बैठे बैठे ऐठन या रात को सोते समय नस चढ़ जाती है और अक्सर पैरों में झुनझुनी या चींटी काटने जैसा महसूस होता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं तो हो सकता है उनमें बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से खून का बहाव ठीक तरह से नहीं हो पाता। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी भोजन से पोषक तत्वों को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी आने लगती है और साथ ही हाई LDL कोलेस्ट्रॉल दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों में प्लाक जमा कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो कमजोर हो जाता है। ऐसे में जल्दी थकान, ज्यादा पसीना आना और थोड़े से ही काम में जल्दी थक जाने जैसे लक्षण नजर आते हैं। जो लोग रोज रोज या ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं या जिन्हें लगातार आलस या सुस्ती आती रहती है, उन्हें एक बार अपने खून में कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करवा लेना चाहिए। अगर बॉडी में HDL यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है तो ये चर्बी को बढ़ने से रोकता है और फैट को बर्न करने का भी काम करता है। वहीं अगर LDL यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो ये बॉडी का वजन तेजी से बढ़ाने लगता है। इसलिए अक्सर ओवरवेट लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है और इन्हें दिल और दिमाग की बीमारी होने का भी खतरा ज्यादा होता है।
हालांकि ऐसी कई और दूसरी प्रॉब्लम होती हैं, जिनमें सीने में दर्द होता है, लेकिन बॉडी में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी कई बार चेस्ट पेन और एंजाइना होने की वजह बन सकता है। आर्टरीज में जमा फैटी सब्सटेंस खून के बहाव में रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े समय बाद चेस्ट वाले एरिया में दर्द, भारीपन और अंदरूनी चुभन का एहसास होता है। बॉडी में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल के साथ साथ दिमाग में खून पहुंचाने वाली कैरोटिड आर्टरीज पर भी असर डालता है, जिसकी वजह से सर के पिछले हिस्से और आधे सर में अचानक दर्द होने लगता है। कई स्थितियों में बॉडी में बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से माइग्रेन होने की भी समस्या होती है और कभी कभी चक्कर और घबराहट भी होती रहती है। बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल दिल और फेफड़ों में खून के संचार को कमजोर बनाता है। ऐसे में थोड़ा सा काम करने पर ही व्यक्ति जल्दी हांफने लगता है, ज्यादा थका हुआ महसूस करता है और सांसें छोटी हो जाती हैं। कई स्थितियों में सांस लेने की तकलीफ होने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की वजह से ज्यादा पसीना आना और सांसों से लगातार बदबू भी आना शुरू हो जाती है। रक्त में बढ़े हुए LDL का हमारी पाचन क्रिया पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लिवर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर होने लगता है और जब भी हम बाहर का या ज्यादा चर्बी पैदा करने वाली चीजें खाते हैं तो हमारा पेट फूलने लगता है, खाना ठीक से नहीं पचता और बार बार पेट में गैस और कब्ज जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा लगातार फ्रेश होते समय पतला मल निकलना भी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का लक्षण माना जाता है। जब बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा बढ़ती है तो ये आंखों के आसपास हल्के पीले रंग के दानों के रूप में दिखाई देने लगती है। शुरुआत में ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आंखों के आसपास फैलकर बड़े होने लगते हैं। अगर सही समय पर इन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये धीरे धीरे फैलने लगते हैं और इनमें दर्द होना भी शुरू हो जाता है। इस तरह की समस्या को जेंथेलास्मा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे बॉडी में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल के कुछ सामान्य लक्षण, जिन्हें हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और फिटनेस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही और भी समस्याओं के समाधान के साथ।